आज हम ब्रेड से गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। सिर्फ इसमें 3 चीज़ें लगेंगी, जिसे आपने एक बार देखा तो हर बार यही बनाना पसंद करेंगे। आप सोचेंगे कि ये सिर्फ ब्रेड से इसका टेस्ट कैसा आएगा, गुलाब जामुन जैसा बनेगा कि नहीं, सब कुछ आपको डिटेल में मैं आगे बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमने 6 ब्रेड ले लिया हुआ है। आप कम ज़्यादा अपने ज़रूरत या फैमिली के अनुसार कर सकते हैं। तो हम 6 ब्रेड के ब्राउन हिस्से को कट करके निकालेंगे, नहीं तो हमारा गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो हम यहाँ कैंची से कट कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारे ब्रेड के स्लाइस को कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने कट कर लिया हुआ है। इसी तरह से हमें सारे ब्रेड की स्लाइस को कट कर लेना है। इसका ब्राउन हिस्सा है जो, उसे फेंकना नहीं है, इसे आप ब्रेड क्रम बना सकते हैं, हम बाकी चीज़ों में इस्तेमाल भी करते हैं। तो फिलहाल हमें इस वाइट वाले ब्रेड की स्लाइस को चाहिए। इसे हम बड़े बर्तन में इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। सारी ब्रेड के स्लाइस को हमें इस तरह से छोटे छोटे रफली कट गया तोड़ लेना है। तो ये देखिए, हमने इसे तोड़ लिया हुआ है। अब एक मिक्सर जार लेंगे, मिक्सर जार में इस तरह से ब्रेड क्रम बना लेंगे। ये देखिए, ये काफ़ी चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है और बड़े बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध मिला लेंगे। हम यहाँ पर मिल्क पाउडर, मावा, खोआ किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप एक बार बनाओगे ना तो गारंटी है कि हर बार आप इसी तरह से बनाओगे। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो हफ्ते में 2 बार तो बनना पक्का है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध मिलाएंगे और डो तैयार कर लेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो यहाँ पर नीचे लाइक का बटन है, उसे दबा दीजिए। अगर आपको नहीं अच्छी लगे तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो ये देखिए, हमने डो अच्छे से तैयार कर लिया हुआ है। अब इसे हम ढक कर 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पे। और ये देखिए, 15 मिनट के बाद हम देखेंगे तो ये देखिए, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो एक बार हम फिर इसे हल्का मल लेंगे इस तरह से, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम डो में से थोड़ा सा लोई लेंगे। गुलाब जामुन की साइज़ आप छोटी बड़ी जैसी आप बनाना चाहें यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं मीडियम, जैसे गुलाब जामुन होता है उसी तरह का बना रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमें हाथों से इसे गोल गोल घुमाना है। तब तक घुमाएंगे जब ये चिकना हो जाएगा, तब हमें इसे रख देना है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी करके दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल से तरीका है बनाने के लिए, एकदम हाथों में गोल गोल घुमाना है। इसमें क्रैक कुछ भी नहीं आता है, बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो ये देखिए, तो इसी तरह से हमें सारे गुलाब जामुन बना लेने हैं, छोटे बड़े जैसे आपकी मर्जी हो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे डो से इस तरह से हमने गुलाब जामुन बना लिया हुआ है। अब हम सीरा तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 कप यहाँ पर शक्कर लिया हुआ है। आप शक्कर कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप शक्कर लिया है और उसी कप से हमने 2.5 कप यहाँ पर पानी लिया हुआ है। हमें एक चाशनी तैयार करनी है, बहुत ही एक तार की नहीं होनी चाहिए, सिर्फ शक्कर अच्छा सा मेल्ट हो जाए। साथ में ही हमने यहाँ पर 2 इलायची डाल दी है फ्लेवर के लिए। तो ये देखिए, हमारी चाशनी अच्छे से बन चुकी है। तो अब गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर बंद कर देना है। तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं हाथों से, हल्का सा हाथों में चिपक रहा हो तो समझ जाइए कि हमारी चाशनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को यहाँ बंद करेंगे।
चलिए गैस की तरफ फिर से चलते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल अच्छा गरम होना चाहिए, अगर आपका तेल अच्छा नहीं गरम रहेगा तो यहाँ पर हो सकता है गुलाब जामुन का ये डव मेल्ट होने लगे। तो जब अच्छा गरम रहेगा तो इस तरह से हमें सारी पीसेस को इसमें डाल देना है और चम्मच की सहायता से इसे उलट पलट कर हमें फ्राई कर लेना है। देखिए हल्का हल्का कलर आने लगा है, गुलाब जामुन जैसे दिखता है। अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है तो इसे ज़्यादा टाइम तक आप धीमी आंच पर ही फ्राई करें, बहुत फास्ट आंच पर फ्राई नहीं करें, नहीं तो ऊपर से जलेगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए अब हम अच्छा कलर गुलाब जामुन जैसा हमारा इस सारी पीसेस के आ चुके हैं, तो हमें अब इस स्टेज पर निकाल लेना है। और देखिए कोई भी इसमें से फटा नहीं है, इसमें कोई क्रैक भी नहीं आया हुआ है। तो चलिए सीरे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर सीरा भी हल्का गर्म है और साथ ही साथ यहाँ पर हमने जो बनाया हुआ है गुलाब जामुन वो भी गर्म है, तो इससे जल्दी से ये सॉक कर लेगा चाशनी को। तो इस तरह से हमें चाशनी में इस गुलाब जामुन को मिलाना है और 2 से 3 घंटों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपको जल्दबाजी है तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहे तभी डालें। और ये देखिए हमारा टेस्टी गुलाब जामुन ब्रेड का तैयार है, हमने किसी भी चीज़ का खास इस्तेमाल नहीं किया है, बिना झंझट के, बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा, बिना खोआ के ये टेस्टी गुलाब जामुन तैयार हो गया है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये सिर्फ ब्रेड से बना हुआ गुलाब जामुन है। तो ये लीजिए फाइनली हमारा ब्रेड से बना हुआ ये टेस्टी गुलाब जामुन, और इसे मैंने थोड़े बादाम और काजू से डेकोरेट किया हुआ है। फाइनली हमारा गुलाब जामुन तैयार है, तो इसे टेस्ट तो करना बनता है। तो ये एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना हुआ था, तो एक बार इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अपनी एक झटपट सी नई रेसिपी में।